स्पीहा एनजीओ लगातार कार्यरत है। 2006 से ये अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग और ड्राइंग कंपटीशन भी आयोजित करती है। स्पीहा के बड़ौदा चैप्टर के संचालक परम शाश्वत और आज जो एक कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम हुआ था उसके कोऑर्डिनेटर शिल्पी कपूर की ओर से बड़ौदा शहर में आज 16वीं अंतर्राष्ट्रीय ड्राइंग और पेंटिंग कंपटीशन आयोजित की गई थी। ये कंपटीशन ना सिर्फ बड़ौदा में, ना सिर्फ भारत में, पर पूरी दुनिया में 215 जगह पर ये कंपटीशन आयोजित की गई थी, जिसमें 5000 बच्चे जुड़े थे। 3 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों ने इस कंपटीशन में प्रकृति जतन के विषय पर कैनवास पर अपने विचारों को उतारा था। स्पीहा संस्था लगातार बच्चों को जागरूक करती है, सामाजिक मुद्दों पर ये जागरूकता फैलाई जाती है। फिलहाल ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण सुरक्षा बेहद सेंसिटिव मुद्दा है, तो उसको लेकर स्पीहा की ओर से आज 16वीं अंतर्राष्ट्रीय पेंटिंग और ड्राइंग कंपटीशन आयोजित की गई थी, जिसमें बड़ौदा शहर के 30 से ज़्यादा बच्चे जुड़े थे। इसमें खास तौर पर छोटे 3 साल के बच्चों ने भी कैनवास पर अपने विचार उतारे थे और प्रकृति सुरक्षा और पर्यावरण जतन का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया था। ये स्पीहा द्वारा ग्लोबल एक ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन डिफरेंट कैटेगरीज के बच्चों के लिए आयोजित किया गया है। इसमें करीब 5000 बच्चे ऑल ओवर द ग्लोब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनकी डिफरेंट थीम्स हैं और ये इसलिए किया गया है जिससे कि इकोलॉजिकल बैलेंस को और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन के लिए जो चिंता बनी हुई है उस चिंता को दृश्य चित्रित किया जाए और बच्चों में ये जागरूकता इस तरीके से की जाए जिससे आगे आने वाले समय में वो अपनी जिम्मेदारी इकोलॉजी की तरफ समझें और उसको पूर्ण करें और सारी सृष्टि को एक होलिस्टिक इकोलॉजिकल बैलेंस और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट देने में सहयोग कर पाएँ। जैसे कि आपको हमारे सेक्रेटरी ने अभी बताया, स्पीहा यानी कि आपको ये जो है ये पर्यावरण पे आधारित है, क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं आज के समय में किस प्रकार से तरह तरह के वायरस हो रहे हैं, इसका एक कारण यही है कि हम लोग प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए ये हम लोगों ने बीड़ा उठाया है सब लोगों को एक साथ लेकर के कि किस प्रकार हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, और उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है बच्चों का। यदि हम उनको इस उम्र से बताना शुरू करेंगे तभी वो आगे जाके समझेंगे। और आप जानते हैं पेंटिंग यानी कि कलरफुल, जिसमें बच्चों को बहुत ही अच्छा और आनंद महसूस होता है, इसलिए ये हम लोगों ने एक आयोजन किया है जिसके थ्रू बच्चे अपने अंदर छुपे हुए भावों को दिखाएंगे कि हम किस प्रकार से अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।